साल 1911 में इटली में एक ट्रेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इटली की कोच और इंजन बनाने वाली कंपनी जेंटी ने नई ट्रेन तैयार की थी। ट्रेन की ट्रायल के लिए कंपनी ने लोगों को मुफ्त में सफर करने का नेता दिया था। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे। ट्रायल के लिए रेल कर्मचारियों के साथ 106 लोग ट्रेन में सवार हुए थे। ट्रेन ने कुछ ही मिनट में रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन रेलवे की एक सुरंग से गुजरने वाली थी। ट्रेन सुरंग में घुसी तो जरूर, लेकिन उससे बाहर नहीं निकली। अगले स्टेशन पर पैसेंजर्स इंतजार करते रहे, लेकिन ट्रेन पहुंची ही नहीं। सुरंग में घुसते ही ट्रेन कहां चली गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। कहानियां बहुत, लेकिन सच का पता नहीं। सुरंग में घुसने के बाद ट्रेन गायब हो गई थी। 104 लोगों का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। सिर्फ 2 लोग इस घटना में बचे। सुरंग से बचकर निकले दोनों यात्री कुछ साफ साफ बताने की स्थिति में नहीं थे। एक ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, जबकि दूसरे यात्री ने लोगों को बताया कि जब ट्रेन सुरंग में घुस रही थी उन्हें सफेद धुआं दिखाई दिया। डर के मारे उन्होंने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट आज तक इस घटना की सच्चाई का पता नहीं लगा सके हैं। बातें तरह तरह की निकल कर आई। कुछ सालों बाद दावा किया गया कि ट्रेन का कुछ हिस्सा जर्मनी और रूस में मिला, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है।